नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम जानेंगे बिहार राज्य पर्यटन निगम द्वारा शुरू किए गए टूर पैकेज के बारे में। कोरोना महामारी के इस काल में लंबे समय से बंद बिहार टूरिज्म अब एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। अब पर्यटन स्थल पर ही धीरे धीरे से खुलने लगे हैं। इधर बिहार राज्य पर्यटन निगम भी पर्यटन के लिए टूर पैकेज चालू करने जा रहा है। पिछले कुछ दिन पहले ही राजगीर में जू सफारी और ग्लास ब्रिज जैसे पर्यटन स्थलों का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया है। बताया जा रहा है कि यह अगले साल यानी कि जनवरी में आम लोगों के लिए खुल जाएगा। ऐसे में लंबे समय से घरों में रह रहे लोगों के लिए नालंदा में घूमने का यह एक अच्छा अवसर है। बिहार राज्य पर्यटन निगम ने कोरोना काल में लंबे समय से बंद रहे नालंदा, राजगीर, पावापुरी, गया और बोध गया के लिए पर्यटक टूर पैकेज को चालू किया गया है। आपको बता दें कि 25 दिसंबर से इस टूर के लिए बुकिंग शुरू होगी और इसके लिए ₹600 प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा। टूर की शुरुआत 2 जनवरी से शुरू होगी। यह एक दिन का पैकेज है। यह टूर पटना से शुरू होकर वापस पटना में ही खत्म होगा। आपको बता दें कि यह टूर बस या ट्रेवल किसी भी गाड़ियों से कराई जा सकती है। इसकी रवानगी होटल कौटिल्य बिहार से होगी। यदि आप नालंदा में घूमना चाहते हैं तो आपको कम से कम एक दिन पहले बुकिंग कराना होगा। बस सुबह 7 बजे खुलेगी, शाम के 8 बजे तक पटना वह बस आ जाएगी। पर्यटकों के लिए पिकअप और ड्रॉप पॉइंट होटल कौटिल्य बिहार में रहेगा। बताया गया है कि पर्यटकों की संख्या 20 से कम होगी तो ट्रैवल से भेजा जाएगा और 20 से अधिक की संख्या होगी तो पर्यटकों को बस से ले जाया जाएगा। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि सभी पर्यटकों को कोरोना से जुड़े गाइडलाइन का पालन करना होगा। इस यात्रा से पहले सभी यात्रियों को सैनिटाइज किया जाएगा। बस में ड्राइवर और बस के स्टाफ के अलावा एक गाइड भी होगा जो पर्यटकों को पर्यटन स्थल के बारे में जानकारी देगा। इस टूर में आप नालंदा जाएंगे तो वहां पर आप नालंदा खंडहर को देखेंगे। यह खंडहर कभी एक विशाल विश्वविद्यालय हुआ करता था, लेकिन आक्रांताओं के चलते आज यह एक खंडहर के रूप में तब्दील हो गया है। यहां से आगे बढ़ेंगे तो आप राजगीर पहुंचेंगे, जहां भगवान बुद्ध से जुड़े कई स्थलों का आप भ्रमण करेंगे और नव निर्मित जू सफारी और ग्लास ब्रिज को भी आप देख सकेंगे। हालांकि सरकार की तरफ से इसे आधिकारिक रूप से अभी नहीं खोला गया है, इसे अगले साल यानी कि जनवरी में खोला जाएगा। इसी टूर का अगला पड़ाव होगा पावापुरी। यह भगवान महावीर के जन्म स्थल है। आप यहाँ जैन मंदिर का दर्शन करेंगे। यहाँ आप जैन धर्म से जुड़ी हुई कई जानकारियों के बारे में जान सकते हैं। सबसे आखिरी स्थल होगा बोध गया, जहाँ पर आप भगवान बुद्ध के बारे में विस्तार से जान सकेंगे। यहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ भगवान बुद्ध को मानने वाले लाखों श्रद्धालु प्रत्येक साल आते हैं। बोध गया में स्थित है महाबोधि मंदिर, जहाँ पर भगवान विष्णु की प्रतिमा है। यहाँ पर पितरों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए तर्पण किया जाता है। बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।